28 जून 2023, वो दिन जब उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया था, कोहराम मच गया था, वो दिन जब मारी गई थी भीम आर्मी चीफ और अभी अभी नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद को गोली, वो दिन कोई नहीं भूला जिसे खुद चंद्रशेखर ने एक बार बयां करते हुए बताया था कि कैसे उनकी कार पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी जिसमें वो घायल हो गए थे। उन्होंने बताया था कि वो दिल्ली वापस आ रहे थे जहां एक साथी कार्यकर्ता की माताजी का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें एक संत की मृत्यु होने पर उनके अंतिम दर्शन में जाना था। चंद्रशेखर आजाद ने बताया था कि देवबन में जिस समय मुझ पर हमला हुआ, मैं अपनी कार में फोन चला रहा था, अचानक गोली चली और शीशे से टकराई, इससे शीशा टूट गया। मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर 3 से 4 गोलियां चली। जिस गाड़ी से गोली चली वो मुझसे पीछे चल रही थी। उस समय इस घटना पर राजनीतिक वार पलटवार भी बहुत हुए थे। चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई इस घटना को लेकर सिक्योरिटी पर भी कई सवाल उठाए जाने लगे। आज इस घटना को 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल। ये ऐसी तारीख है जिसे चंद्रशेखर आजाद कभी नहीं भूल सकते। आज भी उन्होंने इस घटना को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें वो काफी ज्यादा भावुक नजर आए। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आप सभी को सादर जय भीम। आज ही के दिन वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने गोली मार कर मेरी हत्या करनी चाहिए थी, पर अपनी माँ, बहुजन महापुरुषों व वीरांगनाओं और संतों व गुरुओं के आशीर्वाद से मैं जिंदा बच गया। आज 1 वर्ष बाद मैं भारत की लोकसभा में हूँ। ये सिर्फ हक वंचित बहुजन समाज, किसानों, मजदूरों व न्याय पसंद लोगों की वजह से संभव हो पाया है। आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं वादा करता हूँ कि आपका बेटा भाई चंद्रशेखर आजाद जीवन की आखिरी सांस तक आपके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता रहेगा। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व मान्यवर काशीराम साहब के मिशन सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के लिए हम आजीवन प्रतिबद्ध हैं। मैं नगीना की महान जनता को विशेष धन्यवाद देता हूं और साथ ही यकीन दिलाता हूं कि आपके प्रतिनिधि के रूप में आपकी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। ये जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित है। मैं प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बना रहे और साथ ही मैं आप सभी का मंगल हो और मेरे विरोधियों की भी सलामती रहे, ऐसी भी प्रार्थना करता हूँ। सद्गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं सबका मंगल हो। तो 1 साल होने पर चंद्रशेखर आजाद ने उस दिन को याद किया जब उन्हें गोली लगी थी। वाकई वो वक्त ऐसा था, वो दौर ऐसा था जब पूरा का पूरा इंडिया अलायंस दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के लिए मंच सजा कर खड़ा हो गया था। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद उस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है।